क्या आपने मुझे कभी डांस करते हुए देखा है? ये है मेरा डांस वीडियो। डांस वीडियो मेरा कैसा लगा मुझे मालूम है, बहुत अच्छा लगा होगा। ये है रिव्यू ऑफ द मूवी डैडी। डैडी में है अर्जुन रामपाल, बहुत सारे अननोन एक्टर्स जो कि बहुत ही अमेजिंग है, क्योंकि ये सारे थिएटर एक्टर्स हैं, तो मैं उनके नाम नहीं लूंगा क्योंकि आप नाम याद नहीं रखोगे। और सबसे बड़ा सरप्राइज 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 फरहान अख्तर। ठीक है, इससे ज्यादा सरप्राइज मैं आपको बताऊंगा नहीं, डैडी में फरहान अख्तर है। इट वॉज नेवर टोल्ड टू एनी वन, किसी भी जगह पे ये चीज बाहर नहीं निकली थी, बट मैं आपको बता रहा हूं कि डैडी में फरहान अख्तर भी है। फरहान के सरप्राइज के अलावा देयर वाज अनदर सरप्राइज दिस वीक, कंगना रनौत इंटरव्यू। ये किस्सा है 2013 का, 2000 इसका इतनी ही उसको दिक्कत थी मेरे से, तो मेरी बर्थडे पार्टी में फ्लोर पे लोट लोट के क्यों नाचता था वो। ऑनेस्टली उस इंटरव्यू को देखने के बाद ऑल द मेन वर कॉलिंग देयर एक्स गर्लफ्रेंड्स, हेलो आजकल कैसी हो, मेरे बारे में कुछ गलत तो नहीं सोचती ना तुम, किसी के पास जाने तो नहीं वाली हो। बाय द वे आई फील कि कंगना रनौत ने जो इंटरव्यू दिया है इतनी जगह जाकर पूरे मीडिया पे, आई थिंक थोड़ा सा ज्यादा हो गया। अगर आपके और किसी और के बीच में कुछ था, कुछ प्रॉब्लम्स थी, ऐसे बाहर जाके नहीं बोलना चाहिए। व्हाट डू यू गाइस थिंक, डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। आई थिंक थोड़ा ज्यादा हो गया, नहीं उसको दिक्कत थी मेरे से, तो मेरी बर्थडे पार्टी में फ्लोर पे लोट लोट के क्यों नाचता था वो। स्टोरी ऑफ डैडी, एक्चुअली इट्स अ बायोपिक, अरुण गावली करके गैंगस्टर थे उनके ऊपर आधारित ये मूवी है। इट इज बेसिकली फाइट फॉर सर्वाइवल बिटवीन अरुण गावली और जो एक पर्टिकुलर पुलिस मैन थे जो उनके पीछे ही पड़ गए थे, इन दोनों के बीच की फाइट है ये। मूवी में बुरा क्या है, मूवी बहुत तो नहीं लेकिन 20 मिनट थोड़ी ज्यादा लंबी है, 20 मिनट की मूवी कट सकती थी। व्हाट्स सो ग्रेट अबाउट द मूवी, मूवी में अच्छा क्या है भाई साहब, क्या अच्छा नहीं है। One of Arjun Rampal's best performances. What brilliant acting! Farhan Akhtar, जो कि गैंगस्टर का रोल कर रहे हैं, amazing again. See, if you like movies like Satya, तो डैडी आपके लिए मस्ट वॉच है। आशिम आलूवालिया, जिन्होंने इससे पहले मिस लवली करके एक मूवी बनाई थी, उनका 70s, 80s और 90s का जो मुंबई है उस पे पकड़ बहुत तोड़ है। वो हेयर स्टाइल, वो एनवायरमेंट, वो एम्बेसडर्स, डेफिनेटली आपको ये मूवी 70s, 80s, 90s में लेके चले जाएगी। शुड यू वॉच दिस मूवी दिस वीक? अगर आपका एक अच्छा सिनेमा, सही सही तरीके के फ्रेम कॉम्पोजिशन और सही तरीका डायरेक्शन देखने की अगर आदत है, तो आप ये मूवी देखने जरूर जा सकते हैं। इट्स नॉट अ रोमांटिक मूवी, तो गर्लफ्रेंड को शायद या बॉयफ्रेंड को शायद पसंद ना आए, लेकिन इफ यू लाइक इंटेंस मूवीज, दिस वन इज फॉर यू। शेयर दिस वीडियो, और दो चीजों से हमेशा डर के रहिए, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड और मेरी डांसिंग से। उसको दिक्कत थी मेरे से, तो मेरी बर्थडे पार्टी में फ्लोर पे लोट लोट के क्यों नाचता था वो।